रैट छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बदले की राजनीति की जा रही है, जितनी भी एजेंसी हैं अपना काम स्वतंत्रता के साथ करें। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह और उनके बेटे के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन किए जाते हैं, जिसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी की नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। सेंट्रल एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। बदले की राजनीति है। देखिए, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। वहाँ नहीं होता, कोर्ट गए। तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।